सभी योग प्रेमियों को नमस्कार। योग सप्ताह के चौथे दिन आज के इस योग शिविर में, योग सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अपनी परंपरा के अनुसार हम आप आज के योग सत्र का प्रारंभ करेंगे 29 स्तवन से। सभी पीठ सीधी करके बैठ जाएंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। नमामि धन्वंतरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशं त्युनाशं धातारमीशं विद्धौषधीनां नात्वं काम्यो राज्यं नासर्गं नापुनर्भवं कामे दुःखतप्तानां प्राणिनामरतिनाशनम्। मैं योगाचार्य भूमेजी से निवेदन करूंगा कि योग सत्र का प्रारंभ करें। सभी को नमस्कार। अपने अपने स्थान पे ही किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन जैसे किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं। हाथ ध्यान मुद्रा में, पीठ सीधी, 3 बार ब्रह्मनाद करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए, सांस छोड़ते ओम का उच्चारण करना। आंखें बंद, श्वास भरिए। बाजू को श्वास भरते हुए कमर से दाईं ओर से पीछे घूमना।
दो तीन बाईं ओर चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दाएं बाएं, एक राइट साइड लेफ्ट साइड को से दाईं ओर से खिंचाव दो दूसरी तरफ, एक दो एक दो एक दो, बता गर्दन घुमाएगी कमर पर हाथ धीरे से, गर्दन को एक छोड़िए, पैर खोल लीजिए, लंबा गहरा श्वास तीन चार बार लीजिए, बराबर पैर मिलाएंगे, एड़ी मिलाइए, पंजा मिलाइए, आसन प्रारंभ करते, कंधा पीछे, हस्त खोलना, नीचे खींचना पूरी भुजा, श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने खोल लें, उत्कटासन, तो दो में घुटनों पर बैठना, पीठ सीधी रखना, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, थाई मसल, काफ मसल में पूरा तनाव आएगा, खिंचाव आएगा, स्थिरता लाना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, धीरे से सीधे हुई है, धीरे धीरे हाथों को छोड़िए, पैर खोलिए, स्वस्थ में आइए, शरीर ढीला छोड़ना, लंबा गहरा श्वास लेना दो तीन बार, श्वास को समझिए करना, पुनः समस्थिति, एक में एड़ी बनाना, दो में पंजा बनाना, हाथ खुले रखना, एक भुजाओं को दाएं बाएं खोलना, दो हथेली आसमान की ओर श्वास छोड़ना, तीन सांस भरते हुए ऊपर मिलाना हाथों को, क्रॉस करेंगे फिंगर्स को ऐसे और हथेली आसमान की ओर, रंगों को खींचिए, स्पाइन खींचिए, भुजा खींचिए ऊपर, गर्दन थोड़ी पीछे, दृष्टि एक जगह एकाग्र करिए, रुकिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, श्वास भरिए, हथेली वापस करिए, सांस छोड़ते धीरे धीरे पूजा को दाएं बाएं को, वज्रासन में बैठेंगे, फिर सीधी आगे इस तरह से द्रोण मुद्रा, अभी सबसे पहले करेंगे मंडूकासन, पेट हमारा हल्का रहना चाहिए, पाचन तंत्र ठीक रहना चाहिए, गैस कब्ज नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मंडूकासन का अभ्यास अति आवश्यक है, प्रतिदिन बायां हाथ रखा, बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ रखा, श्वास भरना, सांस छोड़ना, अंदर दबाना, सांस भरिए, धीरे धीरे आगे चुके, नितंब को उठने नहीं देना, रुकिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, सात बत्तीस, दूसरा प्रकार
दाएं बाएं रखी, एकदम हलचल पेट में प्रारंभ कर देता है मृदुकासन, पेट के विकारों को ठीक करता है। सांस छोड़िए, श्वास का नियंत्रण मैंने बताया था सहज है, जो अभ्यास जिनका अच्छा है वो बाहर श्वास को रोक सकते हैं, शेष सभी श्वास को चलने दीजिए, फिर तालानी आवश्यक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 श्वास। तीसरा बाएं हाथ की मुष्टि का कुंडा भी के ऊपर, उसके आप ऊपर दाएं हाथ की मुष्टि का श्वास भरना, दवाई एक दो तीन चार पांच छ व आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह श्वास पर। दोनों घुटनों को खोलिए, उत्तान मंडूकासन फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन, हृदय के लिए बहुत अच्छा आसन है। खोले पहले दाएं भुजा को उठाइए, क्रॉस करिए पीठ के पीछे बाई ओर को, ऐसे दाएं बाई भुजा को उठाना, राइट साइड को क्रॉस करना, कोहनी को पीछे करना, गर्दन पीछे उठाना, श्वास भरना ऐसे। अगर भर सकते तो बहुत अच्छा, रोक सकते तो बहुत अच्छा, नहीं रोक सकते तो स्वयं रूप से चलने दीजिए, और पीछे खींच करके गर्दन को पीछे प्रेस करके हुए रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बाएं हाथ छोड़िए, घुटने मिलाइए, श्वास भरते हुए सामने से शीर्षांक ए खींचे ऊपर, छोड़ते हुए आगे झुकिए, पूरा रिलैक्स करना है, पीठ को नहीं उठने देना है, नितंबों को नहीं उठने देना है, आगे रिलैक्स कराइए शरीर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक आसन के बाद शरीर में शिथिलता लाना अति आवश्यक होता है। आसन में स्थिरता जब लाते हूं वहां पर भी शिथिलता लानी अति आवश्यक होती है, उस समय अपने मन को काम में लगाना होता है, शरीर के साथ लगाना होता है। जैसे हम अभी शीर्षांक आसन में थे तो शरीर रिलैक्सेशन में था, तो मन को शरीर के साथ लगाना और शरीर में शिथिलता लाना, ये प्रत्येक आसन में ध्यान में रखना। अगला आसन करेंगे उष्ट्रासन। आसन की प्रत्येक स्थिति में जब हम स्थिर पूर्वक आसन में रुकते हैं उसके बाद प्रयत्न पूर्वक शिथिलता लाना, बात का ध्यान रखना। और दूसरा आसन पहले करेंगे, इस तरह से अपने खड़े हो जाएंगे घुटनों के बल, धीरे से दोनों अंगूठों को अपनी लोअर बैक पे सपोर्ट करना, श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे बेंड करना, पीठ को बेंड करना, नितंबों को अंदर सिकोड़ना, कंधे पीछे गर्दन ढीली छोड़ना और रुकना। सबसे ज्यादा लोअर बैक पे तनाव आएगा, उस तनाव को प्रयत्न पूर्वक शीतलता लाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 श्वास भरना।
गर्दन सीधी, पेट सीधी, धीरे 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 से बैठ रहा है। एक आसन में आने और जाने की गति बहुत धीमी होनी चाहिए और पूर्ण स्थिति में रुकना, ये तीन विषय एक आसन में ध्यान रखने वाले हैं। आसन की पूर्ण स्थिति में स्थिरता और सुखदायक अर्थात वो आराम होना चाहिए, लेकिन आराम होता नहीं है तो वो कैसे होता, वो अभ्यास से बढ़ता जाता है। इसलिए प्रारंभिक अभ्यास में 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे अभ्यास को प्रत्येक आसन में सिद्धता के लिए धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। लंबा गहरा श्वास 3-4 बार लेंगे। अभी करेंगे हम मार्जराशन, घुटनों के बल इस तरह से थोड़ा गैप दीजिए घुटनों, हाथों और घुटनों में बराबर अंतर। मार्जरासन करेंगे स्थिति में, कल भी किया था हमने, परसों भी किया था। तो श्वास भरेंगे, सांस छोड़ना, फिर एक बार देख लेंगे। सांस छोड़ने के बाद पेट को ऊपर खींचना इस तरह, जैसे ऊपर से कोई खींच रहा है रीढ़ की हड्डी को, हर गर्दन को लॉक लगाना है इस तरह से। तो करेंगे पुनः अभी, श्वास को बाहर छोड़ना, बाहर रोकना, अपने अपनी क्षमता के अनुसार बाहर भरिए। सामान्य स्थिति में आइए। इस अभ्यास को करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास अति आवश्यक है। आज हम थोड़ा सा उसकी ओर बढ़ेंगे और कुछ एक दो क्रिया करेंगे। एक बार पुनः करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को थोड़ी गति से छोड़ेंगे, बाहर रोकेंगे, सांस छोड़ना। अगला अभ्यास करेंगे सिंहासन का। सिंहासन में श्वास भरना, जैसे पीठ इसका बिल्कुल विपरीत आसन है, इस बात का ध्यान रखना। सिंहासन मार्जरासन से, मार्जरा सिंहासन में पेट को बीच से जमीन को खींचा, गर्दन ऊपर उठाना, जीवा को बाहर निकालना और धाड़ना, तो हमारे नाभि से लेकर हमारे गला पूरा बाहर खुलेगा, हमारा ग्लैंड खुलेगा, थायराइड ग्लैंड खुलेगा। पर देखते हैं कैसे करना। सांस अंदर पहले भरना, सामान्य सांस फिर छोड़ा, इस तरह से। मैं पार्श्व दिशा दिखाता हूँ, अंदर की ओर थोड़ा खींचा हुआ गया, इस तरह से करेंगे पुनः। एक बार बैठ लेंगे और बैक साइड को पवन मुक्तासन करेंगे, और पवन मुक्तासन में थोड़ा पेट को हल्का करिए, इस तरह से होल्ड करिए और ऐसे 10 बार करेंगे। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रुकेंगे, उठाइए गर्दन ऐसे, पांव मुक्तासन में रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन ढीला छोड़ना, धीरे से पैरों को खोलना, राइट साइड का रिलेटिव आगे को बैठिए, पेट की साइड को आइए। मकरासन करेंगे ऐसे,
आगे पीछे रोलिंग होती है, इसको रोलिंग बोलते हैं, जो धंधुनन होती है। इससे पूरा हमारा पाचन तंत्र सक्रिय होता है, प्रॉब्लम साफ से हमारा गैस रिलीज होता है, वायु विकार शासन से नियंत्रित होते हैं, ठीक होते हैं। दिल्ली का देशवा हमारे फेफड़े का मध्यम भाग होता है, सामान्य रूप से प्रश्न नहीं होता है, संचालन नहीं होता है, मकरासन से वो लायमान होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु का स्तर होता है, ऑक्सीजन का लेवल होता है, वो बढ़ता है। सर आप अपना कैमरा थोड़ा पीछे करें। अब ठीक है ऐसे? नहीं सर। ऐसे देखिए, रिलैक्स करिए। अभी हम चार आसनों का अभ्यास करेंगे, अभी उसके बाद हम अगली क्रियाओं की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले भुजंगासन, सीने के पास दोनों हाथ, श्वास भरते हुए उठाइए, आगे कमर लाना, ऐसे उठाइए, रुकिए यहाँ पर, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, सांस छोड़ते हुए स्तंभ को ऊपर उठाइए ऐसे, और पीछे अपने ऐसे एड़ियों को जमीन पर लगाना, एड़ी जमीन पर लगाना, और पीछे प्रेस करना इस स्थिति में, और दो मुखी खुआना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दंडासन सामने, सामान्यतः चार फुट दूरी पे देखना, पेट को सीधा रखना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, नीचे साष्टांग प्रणाम, घुटने जमीन पे, सीना जमीन पे, और माथा पेट नहीं लगने देना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, रिलैक्स करना मकरासन, लंबा गहरा श्वास देते रहना मकरासन में, वापस उठेंगे शशंकासन करेंगे और वज्रासन में बैठ लेंगे, वज्रासन में अपने अपने पहला अभ्यास करेंगे। दीर्घ श्वास लेना, दीर्घ श्वास का अभ्यास अति आवश्यक है, जो आसनों में कुछ आसनों में कुंभक का अभ्यास करते हैं, क्रियाओं में कुंभक का अभ्यास करते हैं, उसके लिए दीर्घ श्वास और प्राणायाम का अभ्यास होना अति आवश्यक होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर है, प्राणवायु का स्तर जो स्टोरेज होती है वो बढ़ती जाती है, और हम सहज रूप से कुंभक कर सकते हैं, हमारी श्वास सहज रूप से स्थिर होती है। महर्षि पतंजलि ने कहा तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद होना ही प्राणायाम है, अर्थात सहज रूप से श्वास नियंत्रित हो जाती है। अभी हम दीर्घ श्वासन करेंगे, ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं हाथों और किसी मुद्रा में रख सकते हैं, लंबा श्वास लेना छोड़ना पहला अभ्यास करेंगे, जितनी ज्यादा हम अंदर भर सकते हैं श्वास को उतना भरिए, और सहज रूप से उतनी बाहर निकालना,
इतना अभ्यास करने से ही थोड़ी सी अनुभूति होती है। वो अनुभूति क्या होगी कि अगर हम नासिका को ऐसे बंद करेंगे तो घुटन का स्तर है, श्वास को रोकने का स्तर या बढ़ जाएगा। उसका सीधा सीधा कारण होता है कि हमारे अंदर से गंदगी बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अंदर शरीर में जो प्राण वायु का प्रवाह है और स्टोरेज है, संचय है, दोनों चीजें बढ़ती है, जिसके कारण सहज रूप से श्वास को नियंत्रित कर सकते हैं। सहज रूप से जो श्वास और लेने और छोड़ने का जो क्रम है वो नियंत्रित हो जाता है। दूसरा अभ्यास करेंगे हम भ्रस्तिका का। भ्रस्तिका के विषय में आठ योग कहता है, आठ योग प्रदीप का मैं कहा कि लोहार की धोखनी के समान उसका अभ्यास करना। लेकिन जिनका श्वसन से संबंधी कोई बीमारी है या विकार है, या लंग से संबंधित कोई विकार है, हृदय विकार है, उसको ये दीर्घ श्वसन ही करना है, उनको भ्रस्तिका को तीव्र वेग से नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सभी उस को हठ योग के अभ्यास को कर सकते हैं। एक बार देखेंगे, इस तरह से हठ योग के अभ्यास के लिए, हठ योग की जो इस तरह की क्रिया है, इनको अभ्यास के लिए सावधानियों को सबसे पहले ध्यान में रखना होता है, इसलिए मैंने सावधानी पहले बताई। अभी करेंगे, शेष सभी कर सकते हैं। और जिनको इस तरह का लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, वो दीर्घ श्वसन का ही अभ्यास करना चाहिए, करेंगे। एक बार लिया, छोड़ा, एक बार ऐसे ही 50 आवर्तन करेंगे। नासिका से उसको बाहर निकालना है, अगर गले तक पहुंच गया है तो उसके लिए तो हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता, फेफड़ों की क्रिया महत्वपूर्ण होती है, वो तो होती होती है, इसमें भ्रस्तिका में भी होती है और कपालभाती में होती है। लेकिन नासिका से, एक नासिका से एक से श्वास को बाहर निकालते, ऐसे सहज रूप से लेना, फिर दूसरी से निकालना, राइट से सहज रूप से लेना, लेफ्ट से छोड़ने से, इस तरह से देखिए, इस तरह से पेट को अंदर दबाव देना, लंग से भी श्वास बाहर जाएगी, जाएगी डायफ्राम से प्रेशर करना तो थोड़ी गति से जाएगी, प्रयास से छोड़ना, बिना प्रयास से लेना, ऐसे बारी बारी से एक से लेना, दूसरी से छोड़ा, लगातार करना, इस
जिनका पेट की कृति ठीक से नहीं होती है उसका मैंने बताया था परसों के अभ्यास में से इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो उल्टा अभ्यास ना करें, पेट बाहर निकले श्वास बाहर निकले तो विपरीत अभ्यास हो जाता, उसका अभ्यास को ना करें। पेट भी अंदर जाना चाहिए, सांस बाहर निकलनी चाहिए। इसमें हम बात क्रम का अभ्यास कर रहे हैं तो एक एक नासिका से सांस छोड़ना है तो पूरी श्वास एक नासिका से एक कृति के साथ निकले। पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र को सक्रिय करता ही है, स्वस्थ रखता ही है। बात क्रम कपालभाती नासिका से गंदगी बाहर निकालता है, गले से भी गंदगी बाहर निकालता है। बाईं ओर से छोड़ते हुए छोड़ देंगे। तो इस तरह से वात क्रम कपालभाती वर्तमान संदर्भ में बहुत ही उपयोगी क्रिया है। हठ योग में इसको क्रिया छठ कर्म की जो छह शुद्धि क्रियाओं में से एक शुद्धि क्रिया माना गया है, इसलिए वात क्रम कपालभाती बहुत ही उपयोगी कपालभाती है। एक क्रिया और करेंगे, उसका अभ्यास हमने कल भी किया, उड़ियान बंद। दीवार बंद जो आज नए हैं उनको एक बार बता देता हूँ। श्वास लेना सामान्य, सांस छोड़ना जिस तरह से हम कपालभाती हैं, पेट को पीछे पेट में लगाने का कोशिश करते हैं, बैक के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह पेट सांस को बाहर छोड़ते हुए बाह्य कुंभक लगाना और पूरे पेट को बैक के साथ जिस तरह से पक्षी उड़ते हुए उड़ने के लिए पेट को अंदर चिपकाते हैं उसी तरह से बाहर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सांस को रोकना और पेट को चिपका के रखना, हल्का रखना। उड़ियान जिस तरह से उड़ने के लिए हल्का करते शरीर को उसी तरह सांस भरेंगे, छोड़िए पूरा पेट बैक के साथ चिपकाइए। कुंभक है, श्वसन की से संबंधित कोई विकार है, फेफड़ों से संबंधित कोई विकार है, हृदय से संबंधित कोई विकार है, उनको तब तक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए जब तक दीर्घ श्वसन का अच्छा अभ्यास ना हो, इस बात का ध्यान रखना। कुंभक कितना करना है, बाह्य कुंभक करते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जितना जिसका अभ्यास है प्रयत्न पूर्वक बढ़ता जाता है, लेकिन जबरदस्ती ना करें कि मैंने 2-3 मिनट तक करना है, तो धीरे धीरे 1-2 दिन ऐसे क्रम दर क्रम अपने अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, एकदम सीधा 1-10 तक नहीं जाना चाहिए। पुनः एक बार करेंगे, छोड़िए। अंतिम अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार धोती में इसका वर्णन आता है, अग्निसार धोती कहते हैं। तो घुटनों के बल खड़े हो सकते हैं ऐसे, इससे द्वारा अच्छे से क्रिया हो जाती है। ऐसे थोड़ा सा अंतर दे देंगे घुटनों पर, खड़े होके भी हो जाती है, बैठ के भी हो जाती है, लेकिन अभी इस तरह से करेंगे। श्वास भरना, श्वास भरने के बाद सांस बाहर छोड़ना, एक बार सुनने के बाद में बाहर छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाना, बाहर रोक के रखना सांस, उसके पश्चात पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, सक्रिय करता है, जिनको कम भूख लगती है बढ़ा वो बढ़ती है, जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है वो नियंत्रित होती है, फैट को रिड्यूस करता है, पैनक्रियाज को स्वस्थ करता है, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में रिड्यूस होता है इसलिए शुगर को नियंत्रित करता है। अग्निसार क्रिया अंदर के में जो पाचन तंत्र की छोटी आंत की भी ये धोता है। तो एक बार देखेंगे आप कैसे करेंगे, फिर मैं दो बार करूंगा। को थोड़ा पीछे रखना है, सबसे पहले उड़ान बंद कर,
गिनना करना, काउंटिंग करना, 15, 20, 30 जितनी बार कर सकते हैं हठ योग में, तो 100 बार का अभ्यास हो गया, 100 बार इसको अभ्यास करना चाहिए। तो करेंगे, अभी मैं नहीं करूंगा, आपने करना, मैं सूचनाओं दूंगा, उन सूचनाओं का पालन करना। सांस भरिए, सांस छोड़िए, बाहर रोकिए, उड़ियान बंद लगाइए, सबसे पहले पेट को अंदर बाहर करिए, सांस रोक के रखना, 1, 2, 3 अपने अपनी गति से करिए, श्वास भरिए धीरे से, छोड़िए। जिन लोगों से अभी बहुत पेट, बहुत पेट में फैट बहुत ज्यादा है या अभ्यास नहीं है, उनको कैसे करना है वो एक बार ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। उनको मैं विशेष क्रिया अभ्यास बता रहा हूँ। सांस छोड़ा, बहुत धीमे करना, एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर बाहर, ऐसे करना। अच्छा अभ्यास रोज करेंगे, 10-15 दिन बाद आपकी गति सहज रूप से बढ़ती जाएगी। अंतिम बार और करेंगे, सांस छोड़िए पूरा, करो बैठ जाएंगे किसी भी एक आसन में, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आसन को छोड़ भी सकते हैं, वज्रासन, पद्मासन में आ सकते हैं, सुखासन में आ सकते हैं, जिसमें आप सहज रूप से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठिए। 3 बार ब्रह्मनाद का उच्चारण करेंगे, पहले एक लंबा श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए, ओंकार के लिए श्वास लीजिए, ब्रह्म है, ओंकार शिव है, ओंकार संपूर्ण शक्तियों का केंद्र है, संपूर्ण ध्वनियों का, ब्रह्मांडीय ध्वनियों का केंद्र है, का ध्यान करना। ओंकार का हो रहा है हमारे मस्तिष्क के समक्ष, सूर्य के तेज की तरह चमक रहा है और उस तेज से हमें जो कर रहा है वो अनुभव करना, शरीर में एक स्पंदन होगा, उस स्पंदन को
लेंगे, छोड़ देंगे, सांस लेंगे, एक बार ओंकार का उच्चारण करना। भगवान शिव आदि योगी के चरणों में जिन्होंने इस योग विद्या को संसार को दिया, उनके चरणों में समर्पित करते हुए शरणागत मुद्रा करेंगे और शरीर में पूरा शीतलता लाएंगे, रिलैक्सेशन लाएंगे से। धन्यवाद योगाचार्य भूमेश जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें योगासन की मुद्राएं, योगासन कैसे करना है उसके बारे में हमें जानकारी दी। सभी योग प्रशिक्षु योग प्रेमियों से ये मेरा भी निवेदन रहेगा कि योगासन के दौरान श्वास प्रवास की जो श्वास उच्छ्वास की क्रिया होती है उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कभी भी कैसे भी सांस ले लिया, कब सांस लेना है कब छोड़ना है इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और योग आसन जिस स्थिति में करवाए जाते हैं उसी स्थिति में होने चाहिए, उसका आपने अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, जितना हो सके उतना करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य भूमेश जी वंस अगेन। तो 4 दिन तक आपका सानिध्य रहा, आपका मार्गदर्शन भी प्राप्त आगे भी होता रहेगा। आज का हमारा प्रबोधन उद्बोधन रहेगा डॉक्टर प्रमोद पारिक जी के द्वारा। डॉक्टर प्रमोद जी का परिचय, छोटा सा परिचय मैं करवाने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर प्रमोद पारिक जी आयुर्वेदाचार्य हैं, तत्पश्चात ने MD स्वस्थ योग में किया है। वर्तमान में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय नाहन सिरमौर में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अधिक ना कहते हुए मैं सीधे डॉक्टर प्रमोद जी से निवेदन करूंगा कि अपने वीडियो और ऑडियो को ऑन करें और हमें हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर प्रमोद पारिक। नमस्कार सभी को, आपका ये बहुत ही अतुलनीय प्रयास है और हम बात शुरू करते हैं। मुझे बताया गया कि मधुमेह और श्वास के बारे में कुछ योग और कार से आप लोगों के साथ चर्चा करनी है। मधुमेह बहुत ही विस्तृत उल्लेख आयुर्वेद में भी आता है और हम सभी लोग, हर साधारण व्यक्ति मधुमेह के बारे में जानता भी है। मधुमेह हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कोई दोषपूर्ण तरीके से इसकी मात्रा में कमी हो जाती है, रक्त में हमारे शर्करा बढ़ जाती है, रक्त में हमारे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण मधुमेह होता है। अब उसके लक्षणों पर जाएं तो हम में से सभी लोग ये जानते हैं कि उसके लक्षण बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, बहुत अधिक प्यास लगने लगती है, हमारी त्वचा में रूखापन आ जाता है, शुष्क त्वचा हो जाती है, साथ ही मूत्र में शर्करा की मात्रा आने लगती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से मोटा है तो उसके वजन में धीरे धीरे कमी होने लगती है और चूंकि ड्राइनेस होती है त्वचा में,
खुजली का अनुभव होने लगता है, बार बार खुजली होने लगती है, शुगर की मात्रा बढ़ने से ही आंखों की ज्योति में दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है, आंखों की ज्योति कमजोर होने लगती है, थकान और दुर्बलता, जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमको थकान सी महसूस होने लगे, थोड़ा सा काम करने के बाद, थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम करने के बाद हमें थकान का अनुभव होने लगता है। बार बार पेशाब करने की, मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है और बार बार मूत्र आता है, प्रभुता विल मूत्रता, इसको आयुर्वेद में जो बहुत बड़े विस्तृत रूप से कहा है, हम इतने क्लिष्ट भाषा में बात नहीं करते, हम साधारण से तरीके से बात करेंगे, तो हमारे मूत्र की प्रवृत्ति बार बार होने लगती है अधिक मात्रा में और मूत्र की आविलता उसमें बढ़ जाती है, साथ ही हाथ पैरों में झंझनाहट भी होती है, सूनापन हो जाता है, जलन होने लगती है, और जब हमें कहीं कोई चोट लगती है, हमें कोई जब घाव हो जाता है तो वो उपचार करने के बाद भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जब हम स्वस्थ अवस्था में होते हैं बिना किसी से स्थिति नहीं होती है, मधुमेह डायबिटीज नहीं होता है, तो ऐसे में घाव थोड़ा जल्दी भर जाता है, लेकिन जब डायबिटीज हो चुकी होती है और हमारे खून में शर्करा का स्तर है वो बढ़ जाता है, तो घाव थोड़ा मुश्किल से भरता है। इसके कारण बहुत सारे कारण हैं, आयुर्वेद ने भी कहा है, सुखम स्वप्न सुखम करके एक विस्तृत उल्लेख किया है कि जो लोग बड़े आराम से रहते हैं, जो लोग बड़े सुख पूर्वक रहते हैं और उनके आहार में दही की मात्रा नियमित रूप से होती है, गुड़ के जो विकार होते हैं यानी मीठे मीठी चीजें जितनी भी है उसका सेवन बार बार होता है और उसके तुलना में शारीरिक श्रम परिश्रम की कमी होती है, तो दिन में सोना, दिन में जैसे हमें बताया कि केवल गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु में हम कुछ देर दिन में सो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत बन जाती है जो दिन में सोए बिना बात बनती नहीं है और कालांतर में जाके उनके शरीर में कफ की मात्रा बढ़कर और वो इस बीमारी में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक होता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज है नवान्न पानम, नया अन्न, जैसे इस सीजन का गेहूं आया और उसी सीजन में उपयोग करते हैं, नए अन्न के सेवन से भी रोग होने की संभावना, क्योंकि उसमें कफ की मात्रा अधिक होती है, कफ की विकृति है जो हमारे शरीर में वातपित्त कफ दोष होते हैं, तो उसमें कफ के बढ़ने के कारण प्रारंभ में फिर स्थूलता आती है और वो आगे जाकर के जो हमारे बीच प्रकार के प्रमेह हैं उनमें वो परिवर्तित होते होते अंत में वो वापस प्रमेह की स्थिति आती है, जिसको हम आजकल इंसुलिन डिपेंडेंट प्रमेह मान सकते हैं, मधुमेह मान सकते हैं, और स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हमारे आहार विहार के कारण, इसमें प्रमुख कारण है वो हमारा आहार और विहार ही होता है। इसके अतिरिक्त वंशानुगत भी एक बीमारी हो सकती है बीज दोष के कारण से, कि हमारे माता जी को, हमारे पिता को, हमारे दादा दादी किसी को भी रोग होता है तो हमारे बीज में वो दोष उत्पन्न है, जेनेटिक रीजन्स होते हैं उसके कारण से बीमारी उत्पन्न हो सकती है। और इसके अगर इसका उपचार नहीं किया जाए, हमारे आहार विहार में परिवर्तन हम नहीं करते हैं और ये एक स्तर तक पहुंच जाती है बीमारी, तो उसके बाद इसका प्रभाव हमारे शरीर के अन्य अंगों पर पड़ने लगता है, जैसे हमारे गुर्दे यानी किडनीज हैं उस पर असर पड़ता है, हमारे लीवर है उसकी खराबी उत्पन्न हो सकती है, हमारे मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के ऊपर, नाड़ियों के ऊपर, आंखों की दृष्टि के ऊपर स्नायु तंत्र की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, हमारे हृदय के ऊपर इसका असर पड़ता है, धमनियों के ऊपर भी इसका असर पड़ने लगता है और जी आवाज मेरी, तो मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, नेत्र दोष हो जाता है और नपुंसकता भी उत्पन्न हो जाती है, और हम सब जानते हैं रोज हम में से बहुत सारे लोग
सभी लोग अपना शुगर का लेवल चेक करवाते हैं, तो उसमें जो मात्रा है वो लगभग 70 से लेकर 120 तक, उसकी गाइडलाइंस परिवर्तित होती रहती हैं, वो आप लोग सब जानते हैं, उसके बहुत सारे व्यावसायिक कारण भी होते हैं। 70 से 110 और खाना खाने के बाद 110 से 140 हम सामान्य इसको मान सकते हैं। अब हम इसको एक साधारण सा समझने के बाद हम इसकी चिकित्सा के बारे में, जो हम लोग एक अवेयरनेस के जीवन जीते हुए, अपना आहार विहार ठीक से पालन करते हुए, कुछ योग की प्रक्रियाओं के द्वारा आहार को मॉडिफाई करके, विहार को मॉडिफाई करके इसमें हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो सत्कर्म का हमारे यहाँ वर्णन आता है योग योग के विभिन्न ग्रंथों में, सत्कर्म के कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा अगर हम नियमित अभ्यास करें तो उसमें बहुत उपयोगी है। कुंजल का नियमित उपयोग अभ्यास, साथ में लोली क्रिया का अभ्यास करके लघु संख प्रक्षालन, संख प्रक्षालन हम किसी देख रेख में कर सकते हैं। लघु संख प्रक्षालन एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद हम लघु संख प्रक्षालन करके इस बीमारी का इलाज करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। उसके अतिरिक्त कपाल भाती, जो हम प्राणायाम में भी आजकल बड़ा प्रचलित है, प्राणायाम में भी कपाल भाती का वर्णन किया गया है, वही कपाल भाती सटकर्म में आता है। तो कपाल भाती का नियमित, क्योंकि इस कपाल भाती करने से हमारे जो पेट के, पेट में अंग हैं जिसमें प्रमुख जो इंसुलिन जहाँ से बनता है, ऐसा हमारा स्प्लीन और पैनक्रियाज, साथ ही लीवर और पूरे पेट के ऊपर एक्सरसाइज होती है, उससे उसका रक्त का प्रवाह ठीक होता है, तो जो जनरेशन होता है बीटा सेल से हमारा इंसुलिन बनता है वो ठीक होने लगता है। और एक बंध जो विशेष अभी हमारे यूनिवर्सिटी ने उड्डयन बंध हमें सिखाया है, तो हम लोग सब लोग जानते भी, उड्डयन बंध का भी बड़ा उपयोग है। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म व्यायाम है हमारे, जिसमें हम ग्रीवा के घुमाने के व्यायाम है, उदर की शक्ति के व्यायाम है, कटी और जंघा की शक्ति के व्यायाम, तो इस प्रकार से नियमित रूप से हम जो संधियों को मूव करके तो व्यायाम करते हैं, उन व्यायाम का भी इसमें बड़ा उपयोग है। पैदल चलना, हमें आदत डालने की बार बार में हम अपने वाहन का उपयोग ना करें, अगर हमें 1-3 किलोमीटर कहीं जाना है, समय है हमारे पास, तो हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर भ्रमण की आदत, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा संभव नहीं रहा, तो हमारी छत के ऊपर भी जा करके हम भ्रमण कर सकते हैं, या फिर सुबह शाम आजकल खुलने लगा है सब कुछ, तो हम भ्रमण कर सकते हैं। भ्रमण की, पैदल चलने की आदत बहुत आवश्यक है। और कुछ आसनों के बारे में चर्चा करें हैं हम, तो इसमें मयूर आसन बहुत प्रभावी आसन है। मयूर आसन में जैसा हम जानते हैं, हमारी दोनों कोहनियां पेट के ऊपर लग के और हाथों को मयूर की तरह पैर बना करके उसके ऊपर शरीर का भार रहता है, तो हमारे पेट के अंगों के ऊपर प्रेशर होता है। इसके अतिरिक्त हम धनुरासन, जो पीठ के बल लेट करके दोनों पैर पीछे से पकड़ के धनुरासन की प्रक्रिया आसन करेंगे, तो उसमें भी इससे संबंधित जो हमारे अंग हैं वो एक्टिवेशन उनका होगा। सर्वांगासन, साथ ही हलासन, अर्धमत्स्येंद्रासन का बड़ा उपयोग इसमें देखने को मिलता है। पश्चिमोत्तान आसन, सुप्त पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन बहुत उपयोगी आसन है, जैसा कि इसका नाम है, वात का निष्कासन करता है और बहुत उपयोगी आसन है। और भुजंगासन इसमें उपयोगी होता है, वज्रासन में जैसे भोजन के बाद हम कबाड़ पर, बड़ा प्रचलित भी है और ठीक भी है भोजन के बाद वज्रासन में बैठना। मंडूकासन, वक्रासन और सवासन के बाद, जैसे हम सब जानते हैं कि ये जो आसन करने के बाद हम सवासन करते हैं, सवासन का बहुत अच्छे से अभ्यास करने से हम मधुमेह को मैनेज कर सकते हैं, इससे मुक्त भी हो सकते हैं इन सभी आसनों से, इन सभी प्रक्रियाओं से। प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम का इसमें बहुत अच्छा उपयोग है। इसके अतिरिक्त नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि कृतमादो प्राणायाम समाचरित, नाड़ी शुद्धि से हमारे जो
स्थूल शरीर को हम आसन से अपने हार विहार से ठीक कर लेते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर को हमारी नाड़ियों को और सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के लिए हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने, ऋषि वैज्ञानिकों ने नाड़ी शोधन की प्रक्रिया सिखाया है। तो उस नाड़ी शोधन के द्वारा हम अपने ब्लॉकेज जो है स्रोतरोध समाप्त होकर के अनुलोम विलोम और इन प्राणायाम से आसानी से हम कपालभाति प्राणायाम इनका नियमित प्रयोग करके। हम आहार की बात करें तो आहार में मधुमेह में जो आहार हमें उपयोगी रहता है उसमें एक आहार का बात हमेशा, जैसे हम केवल चावल खाएं, केवल गेहूं खाएं, नया अन्न खाएं, तो इस नए अन्न को त्याग करके हमको पुराना, एक वर्ष पुराना अन्न इसमें हमें ग्रहण करना चाहिए। और एक कॉम्बिनेशन है जो आयुर्वेद के चिकित्सक सब लोग जानते भी हैं, अपने लोग बताते भी हैं, तो उसमें गेहूं, चना, जो, सोयाबीन, मेथी, इसका कॉम्बिनेशन बना करके उपयोग करें। छिलके सहित मूंग की दाल, मसूर, चना, अरहर का उपयोग, सब्जियों में जो सीजन की सब्जी होती है उनका अधिक प्रयोग हो। फलों में हम जामुन बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें फल होता है जो अब आने वाला है बरसात के मौसम के अंदर, और आंवले का प्रयोग, खट्टे फलों का उपयोग करें, केला जैसा फल इसमें उपयोग ना करें। और साथ ही मीठी चीजें जो हम सब लोग जानते हैं, चीनी है, गुड़ है, मिठाई, हम आजकल बहुत बार बात बात में मिठाई हम देते हैं और लेते भी हैं, उसका उपयोग कम करें। ऐसे व्यक्ति बेकरी से जो बड़ी चीजें होती हैं, पेस्ट्री हैं, चॉकलेट्स हैं, इसका प्रयोग मीठे फलों में, आम का सीजन चला हुआ है तो आम का मोह त्यागना होगा मधुमेह रोगियों को, केला भी ना खाएं, अंगूर और ली जो हमारा चीकू है बहुत मीठा होता है, इसका भी उपयोग ना करें। कई बार भ्रांति फैलती है कि फल सब लोग खूब डट के फल खाएं, तो इसको इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा कम मात्रा में प्रयोग करें। हम लोग हिमाचल के लोग हैं, हम परांठे के बिना हमारा नाश्ता होता नहीं है, तो बहुत कम तेल का प्रयोग, बहुत कम जो हम वेजिटेबल घी है उसका प्रयोग, और जो परांठे से हम अपनी शुरुआत करते हैं वो ना करके हल्के दलिए जैसे आहार विहार से हम उसका आहार से हम इसका प्रारंभ कर सकते हैं हमारे सुबह के नाश्ते का। तो तली हुई चीजें बहुत ज्यादा, जो ड्राई फ्रूट, आलू का ज्यादा उपयोग, चावल का ज्यादा उपयोग, हम बार बार जो अचार बनाते हैं घरों में उसका अधिक प्रयोग, ये सब नहीं करते हम इस मधुमेह जैसी जो घातक बीमारी जो हमारे देश के बारे में बताते हैं कि दुनिया की राजधानी हमारा देश बन चुका है मधुमेह के बारे में संबंधित, तो इसको हम कर सकते हैं। तो मधुमेह के बारे में एक साधारण सी हमें छोटी छोटी बातें, और एक प्रमुख बात यह है कि व्यक्ति मधुमेह में अगर अगर जागरूक है तो वो स्वयं अपना इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, चिकित्सक आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, लेकिन एक जीवन की जो परिवर्तन है वो स्वयं को करना पड़ता है। तो ये मधुमेह का एक छोटा सा परिचय है जिसको हम सबको पालन करके योग प्राणायाम को अपना के करना चाहिए। इससे बिल्कुल संबंधित जैसा के साथ साथ चलने वाला जिससे सभी लोग हम परेशान होते हैं, अस्थमा जिसको हम बोलते हैं, अस्थमा भी बोलते हैं श्वास का रोग, तो ये भी हम इन हमारे योग की विधाओं से इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत से कारण इसके हैं, शुरू में छोटा बच्चा है उसको एलर्जी हो जाती है, किसी वस्तु से एलर्जी है और उसको अस्थमा शुरू हो जाता है, दमा शुरू हो जाता है। बुजुर्गों में तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाया ही जाता है, शहर के पोल्यूशन के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक धूम्रपान करने के कारण दमा हो जाता है, तनाव के कारण, बहुत सारे स्थिति में जब हम तनाव का स्तर हमारे बढ़ता है तो श्वास, जैसा हमने देखा है कि कोरोना के समय भी लोगों में तनाव के कारण श्वास की जो हमारे स्तर है ऑक्सीजन का वो बहुत कम हो जाता है, और अगर हम निडर होकर के रहते हैं, हम
तनाव नहीं लेते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति देखने में लोग कोरोना के डर के कारण और वो फिर उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा सबके सामने। हेरिडिटी भी इसमें कारण है, वंशानुगत भी एक छोटा सा कारण इसमें होता है। दूसरा हमारे जो भोजन का परिपाक होता है रक्त रक्त मांस में, उसमें जो आम दोष बनता है उसके कारण भी माल एब्जॉर्प्शन के कारण ये रोग हो सकता है। एयर पोल्यूशन के कारण शहरों में स्थिति देखने को मिलती है, कुछ पोलन होते हैं उनसे एलर्जी की वजह से। तो ये साधारण जो हमारी मान्यता है और उसके कारण हमारी चेस्ट में जकड़न होने लगती है, कफ की अधिकता शरीर में हो जाती है, जो हमारा कफ का स्थान है, हमारे जो ऊपर का स्थान है कफ का स्थान है, तो वो कफ स्थान में जकड़न शुरू हो जाती है। कफ का कफ वात आत्मका आयुर्वेद में लिखा है, कफ और वात के स्वभाव वाला ये सांस रोग इस स्थान में यानी हमारे आमाशय में पाचन की कमी के कारण दुर्बलता के कारण ये होता है और श्वास बढ़ने लगता है, श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, श्वास की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति कम हो जाती है और हमारे फेफड़ों से एक बांसुरी की सी आवाज सुनाई देती है। हम जब ऐसी स्थिति में छाती पे हाथ रखते हैं तभी हमको कंपन सा हाथों की अनुभव है, तो डॉक्टर तो हमारे स्टेथोस्कोप लगा के अलग अलग तरह की आवाजें हमारे फेफड़ों से सुनते ही सुनते हैं। इस प्रकार से अस्थमा को हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आयुर्वेदिक दिनचर्या ऋतुचर्या आहार विहार के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। इसका भी सत्कर्म, इसमें भी सत्कर्म का बहुत बड़ा उपयोग देखने को मिलता है। कुंजल की क्रिया करके नियमित रूप से, क्योंकि आयुर्वेद में भी वमन बताया है, आयुर्वेद में जो हमारा पंचकर्म चिकित्सा है उसमें औषधियों के द्वारा वमन करवाया जाता है, तो योग में उसी प्रक्रिया को बिना औषधि दिए केवल पानी पिला करके, नमकीन पानी भी पिला सकते हैं, सादा पानी भी, नियमित रूप से कुंजल का अभ्यास इस जमा रोग के लक्षणों को कम कर सकता है और कालांतर में ठीक कर सकता है। वस्त्र धोती जो हम एक धोती लंबा टुकड़ा होता है उसी वस्त्र का उसको पानी के साथ अंदर ले जा करके उसको वापस निकाल करके हमारे पित्त स्थान की शुद्धि करते हैं, उसका भी बड़ा उपयोग है, जिसको के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए। सूत्र नेति का उपयोग, जल नेति का उपयोग और शंख प्रक्षालन का, जैसे मधुमेह में उपयोग है इसी प्रकार शंख प्रक्षालन का भी हम उसका देख रेख में अभ्यास करके, फिर इसमें हम प्राणायाम की बात करेंगे कि प्राणायाम का अधिक महत्व है, हमारी प्राण से संबंधित, प्राणवायु से संबंधित बीमारी है तो दीर्घ श्वसन का हमें नियमित अभ्यास करें, भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, कपालभाति का उपयोग इसमें बहुत उपयोगी है, कपालभाति का अभ्यास बहुत उपयोगी है, सूर्यवेदी प्राणायाम जिसमें चंद्रवेदी सूर्यवेदी इंद्रा पिंगला सुषुम्ना का कंसेप्ट हमारे योग में है, तो सूर्यवेदी सूर्य नाड़ी से प्राणायाम करना इसमें बहुत उपयोगी है और उज्जायी प्राणायाम का उपयोग भी इसमें बहुत ही लाभ देता है और अनुलोम विलोम का अभ्यास नियमित रूप से हम श्वास से संबंधित बीमारियों को और अन्य बीमारियों को भी मैनेज कर सकते हैं। भोजन का हमें आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं चिकित्सक, जब हम बैठते हैं और हम पूछते हैं उनसे तो वो सारी दवाइयां खा रहे हैं लेकिन दही का उपयोग करते हैं, कफवर्धक है, दही का उपयोग हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठंडी चीजों का कफवर्धक जितने भी आहार विहार है उनका प्रयोग हम बंद कर दें। शीत वायु का स्पर्श है, फ्रिज का जो हम बार बार फ्रिज में से निकाल करके पानी पीने लगते हैं ठंडा अधिक ठंडा, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। आहार में हमारे फल हरी सब्जियां ये सब हो, मूंग की दाल हो, लघु आहार हम लें इसमें नियमित रूप से, चेस्ट के ऊपर हम हल्का सा अभ्यंग कर सकते हैं, हल्का सा स्वेदन कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं, इस प्रकार से छोटे 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 चीजें, खुली हवा में भ्रमण करना, ये सब इस
दमा को, दमा की बीमारी के दमा के दम को तोड़ने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त हमें हल्के साधारण से आसन जिसमें शवासन का बड़ा महत्व है, धनुरासन इसमें कर सकते हैं, पर्वतासन का उपयोग लाभकारी देखा गया है, शशांकासन, मार्जारी आसन और पवन मुक्त आसन। तो इस प्रकार से हम आयुर्वेदिक आहार विहार से, छोटी मोटी आयुर्वेदिक औषधियों से, और जैसे हमने चर्चा करी इस प्रकार के सटकर्मों से, योग और प्राणायाम से हम इन बीमारियों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा मुझे समय दिया गया उस समय से कुछ मैंने ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी ये बात ही समाप्त होती है, आप सभी का, डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी का और आप सभी जुड़े हुए लोगों का, आरोग्य भारती का और योग सभी महानुभावों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद पारिक जी, आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया, मधुमेह श्वास रोग के बारे में हमें जानकारी दी तथा उसको हम योग से किस प्रकार से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हमें ध्यान दिलवाया। साथियों, हमें याद होगा भारत सरकार के द्वारा पीछे एक 3-4 वर्ष पहले मधुमेह मुक्त भारत इस प्रकार का एक अभियान चलाया गया था जो आज भी चल रहा है। सभी स्थानों पर योग भारती हिमाचल प्रदेश द्वारा अलग अलग स्थानों पर योग के शिविर लगाए जाते हैं, लोगों को जानकारी दी जाती है, लोगों को उसके बारे में अभ्यास करवाया जाता है। योग भारती श्रीनिवास मूर्ति जी द्वारा इसका एक संस्थान बनाया जा रहा है सोलन के पश्चात, गणकी खेत के पश्चात, तो वहाँ पर अलग अलग समय पर इसके कैंप्स लगाए जाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है नेचुरोपैथी वगैरह के बारे में। और वहाँ पर जाकर के हम अपना, अगर कोई इच्छुक हो तो ऑनलाइन भी या वहाँ पर जाकर भी इस सब चीज़ों का हम योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो साथ ही योग के द्वारा ही हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ना कि दवाइयों के पीछे भागना है। गोलियाँ, कैप्सूल और ये दवाइयाँ, ये इंजेक्शन के पीछे भागने की अच्छा है कि आप अपना शरीर को योग के द्वारा स्वस्थ रखें, एक्टिव रखें और जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज का सत्र हमारा यही समाप्त होता है, तो शांति मंत्र के साथ हम आज के सत्र का समापन करेंगे। पीठ सीधी करके बैठ जाएंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यो शान्तिः, अन्तरिक्ष द्वं शान्तिः, पृथ्वीः शान्तिरापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद, आज का सत्र हमारा समाप्त होता है। मेरा आप सभी योग प्रशिक्षकों से, योगियों से निवेदन है कि आप आसपास अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जानकारी दें, उनको योग करवाएं, और अच्छा होगा अगर आप इस योग सत्र में उनको शामिल करें। धन्यवाद।